बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता सनी देओल और बॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरहिट हीरोइन माधुरी दीक्षित ने साल 1989 में एक फिल्म में काम किया था, जिस फिल्म का नाम था त्रिदेव, जो कि सुपर डुपर हिट थी। और उसके एक साल के बाद साल 1990 में इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और इस फिल्म में खास तौर पर सनी देओल और माधुरी दीक्षित की जोड़ी काफी ज्यादा दर्शकों की पसंद आई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस फिल्म के बाद आज 33 साल होने को आए हैं, आखिर सनी देओल और माधुरी दीक्षित ने किसी दूसरी फिल्म में काम क्यों नहीं किया। दरअसल माधुरी दीक्षित और सनी देओल के चाहने वालों की हमेशा से डिमांड रही है कि हम सनी देओल और माधुरी दीक्षित को एक साथ फिल्मों में देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा देखा गया कि साल 1989 के बाद आज तक दोनों किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फैंस को, बहुत सारे माधुरी दीक्षित के फैन को, बहुत सारे सनी देओल के फैंस को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान या इस फिल्म की शूटिंग के बाद सनी देओल और माधुरी दीक्षित के बीच कुछ विवाद हुआ होगा, जिसके कारण दोनों ने आज तक किसी के साथ फिल्म में काम नहीं किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल वजह क्या है कि दोनों ने, जी हां, माधुरी दीक्षित और सनी देओल ने आखिर 33 साल तक एक भी फिल्म में काम क्यों नहीं किया। दरअसल त्रिदेव की बात करें तो यह एक एक्शन फिल्म थी, जिस फिल्म में सनी देओल के साथ नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, सोनम राय, अनुपम खेर, अमरीश पुरी जैसे सुपरहिट अभिनेताओं ने और अभिनेत्रियों ने काम किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी और यह एक दमदार एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद साल 1990 में इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। यानी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल किया था और दर्शकों को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 1989 की यह फिल्म ने 32 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। लेकिन इस फिल्म के बाद सनी देओल और माधुरी दीक्षित ने एक भी फिल्म में काम नहीं किया। 90 के दशक में ये मशहूर था कि अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी दर्शकों को पसंद आती थी, फिल्में सुपरहिट होती थी, तो बार बार वो एक्ट्रेस और एक्टर एक दूसरे के साथ काम करते थे। चाहे शाहरुख खान और काजोल की बात हो, चाहे अनिल कपूर श्रीदेवी की बात हो, ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन सुपरहिट होने के बाद भी माधुरी सनी की जोड़ी ने दोबारा एक साथ काम नहीं किया। इसके पीछे की क्या वजह है हम आप लोगों को बताएंगे। दरअसल सनी देओल और माधुरी दीक्षित में आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ। आज भी सनी देओल और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई बार इवेंट में और कई अवार्ड फंक्शन में दोनों को साथ देखा गया है और दोनों काफी अच्छी तरीके से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन फिर बड़ी वजह क्या है कि 33 साल तक दोनों ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। इसकी असल वजह यह है कि 1990 के बाद सनी देओल एक्शन तक ही सीमित रह गए, जब एक माधुरी दीक्षित कॉमेडी, फैमिली और ड्रामा जोनर जैसी फिल्मों का हिस्सा भी बनने लग गई थी। ऐसे में ऐसा देखा गया कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिला कि सनी देओल और माधुरी दीक्षित को एक साथ कास्ट करे और उसके बाद जो है दोनों की फिल्म बने। तो इसके पीछे की कोई ऐसी वजह नहीं है कि माधुरी दीक्षित और सनी देओल ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई विवाद नहीं था, बल्कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिला जिसने माधुरी दीक्षित और सनी देओल को एक साथ कास्ट किया हो। तो इस कारण दोनों किसी फिल्म में नजर नहीं आए और 33 साल हो गए, दोनों ने, बड़े सुपरस्टारों ने मात्र एक फिल्म में ही काम किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।